आप सबका स्वागत है एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूट्यूब क्लास में। और आज अपना ये नया लेसन है, ठीक है ना। और जो नया लेसन है वो अपने बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट का ये आज थर्ड लेसन है। और थर्ड लेसन है भारतीय संविधान की विशेषता। और ध्यान रखें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, तो इसे समझ में पसंद आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, तो हम प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसके द्वारा है, जिसके माध्यम से राज्य के लिए विकास करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। यानी इस तरह से ये है कि राज्य यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थिति और अवस्था के अनुरूप होता है, और इसके लिए संविधान में कुछ विशेषताएं शामिल की जाती है। तो हम बारी बारी से संविधान की विशेषताओं को यहाँ पे समझेंगे। तो पहली है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। पहली है लोकप्रिय लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है, ये पहली विशेषता कैसे है तो हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना। देखिए भारतीय संविधान कब बन गया था पूरा, हाँ 26 नवंबर 1950 को बन गया था। तो अब ये यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रभुसत्ता में का मतलब ये होता है कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1950 से एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जो इस तरह से ये संविधान है उसमें जो संविधान बना है ऊपर लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर बना है, यानी संविधान द्वारा प्रभुसत्ता का अंतिम सोर्स जनता है। तो इसलिए जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा ये संविधान बना है। तो ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, समझ में आ गया होगा। और ये प्रभुसत्ता लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो निर्माण हुआ है वो हुआ था 26 नवंबर 1950 को। ये पहली विशेषता हो जाती है। हम दूसरी विशेषता की बात करेंगे भारतीय संविधान की, दूसरी विशेषता तो वेरी इंपोर्टेंट, नियमित लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है। निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो भारत का संविधान है। तो अब इसमें ध्यान रखिए भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और इसलिए इसमें संविधान में अधिकांश बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। इस संविधान में यह ध्यान रखना है कि संविधान ब्रिटिश संविधान के विपरीत और भारतीय नहीं कह सकते, न तो ब्रिटिश संविधान की तरह भारत का संविधान, नहीं अमेरिका की तरह, दोनों की तरह एक से दोनों की विशेषताओं से विभिन्न पूर्ण एक अलग संविधान है। क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो जो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है ना, वो क्या है, अलिखित है। क्या है, अलिखित है। अलिखित है। जबकि हम अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है वह क्या है, लिखित है। क्या है, लिखित है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान का कोई भी इतना प्रभाव नहीं जमा है, क्योंकि भारतीय संविधान है वह एक तरह से लिखित संविधान लिखा हुआ, यानी अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह नहीं है, अमेरिका की तरह भारतीय संविधान है। और इसके अतिरिक्त आइवर जैगनिस ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये किसने कहा है, तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर आइवर जैगनिस ने कहा है कि भारत का संविधान है सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक व्यापक और विस्तृत संविधान है। अभी क्यों, तो ध्यान रखना है, जब भारतीय संविधान बना, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान अब तक जो अभी वर्तमान में देखते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं,
अनुच्छेद 395 और अभी वर्तमान की बात करें तो इससे बड़ा हो गया ना संविधान, तो इस वजह से अनुसूचिया है वह 12 है और भाग 22 भाग, इस तरह से ये संविधान है वो विश्व का सर्वाधिक व्यापक बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के संविधान में जब अनुच्छेद की बात करें, किसकी अनुच्छेद की, कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है, तो ये इस तरह से सबसे छोटा संविधान में ये है। तो यानी अगर दूसरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात करें तो 128 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद है, 147 अनुच्छेद है, और इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। तो इस तरह से आपको ये तो पता लग गया होगा कि भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद इस तरह से जो बनाए गए, विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और इसमें अब तक लगभग 101 संशोधन तो सिर्फ संशोधन ही हो चुके हैं। तो इस तरह से भारत का संविधान है विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान हो जाता है। लिखित संविधान निर्मित क्योंकि भारतीय संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है, उनके प्रतिनिधि सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया, निर्मित किया गया, इसलिए निर्मित कहते हैं। तो ये संविधान की दूसरी विशेषता हो गई। अब संविधान की हम तीसरी विशेषता पर आते हैं। तो तीसरी विशेषता पर आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे पहले पूछा जाए कि भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों है, तो ध्यान रखना है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की लगभग 1935 में लगभग उसकी उस संविधान या उस समय जो शासन था उस शासन की लगभग आधी विशेषता यानी जो शासन प्रक्रिया थी भारतीय संविधान में अपनाई गई है। तो इस वजह से ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बड़ा होने के पीछे क्या है कि भारतीय संविधान में 1935 के ढांचे को अपनाया, 1935 में जो भारतीय शासन व्यवस्था का जो रूप था वह ढांचा इस संविधान में अपनाया गया, इस वजह से भारतीय संविधान बड़ा हो जाता है। और भारतीय संविधान एक तरह से विशाल क्षेत्र और जनसंख्या के हिसाब से इसके लिए एक महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए संविधान भी बड़ा बन जाता है। फिर दूसरी से सुविधा अपनी आती है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता क्यों है, तो आप ध्यान रखें सबसे पहले कि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत जब आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी उसे यानी भारत देश को किसी से विदेशों से कैसा संबंध रखना है, ठीक है ना, किस संगठन या किस संस्था का सदस्य बनना है, ये खुद का उसका स्वतंत्र निर्णय होता है। तो भारत आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी के भी अधीन नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है और यहाँ की जनता है वो संप्रभु है। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था और भारत का जो स्वरूप है वह पूरी तरह से क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब दूसरी यहाँ पे बात लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, लोगों के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था होती है। तो इसमें गणतंत्रात्मक का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति, ठीक है ना, तो राष्ट्र का जो प्रमुख व्यक्ति होता है जैसे अपने यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, क्या होता है, निर्वाचन। तो इस तरह से भारतीय शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च पद है वह भी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये क्या होता है कि जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। तो इस तरह से राष्ट्र का जो प्रमुख प्रथम नागरिक है उसका भी निर्वाचन होता है और ये राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति या राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है जब उसका भी निर्वाचन होता है, तो ये व्यवस्था कहलाती है गणतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटेन या और किसी देश की बात करें तो वहां पे उत्तराधिकारी शासन है, जब राजा है तो उसका उत्तराधिकारी, रानी है तो उसको उत्तराधिकारी है, वो प्रमुख बनेंगे। जबकि भारत में इससे अलग है, भारत में एक तरह से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि जो राष्ट्र का जो प्रमुख नागरिक होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है, उसको भी जनता के द्वारा निर्वाचित, यानी वो पद भी निर्वाचित होता है, तो यही व्यवस्था गणतंत्रात्मक कहलाती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि राष्ट्र का जो सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है वह भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यही जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है राष्ट्र के प्रमुख की, इन्हीं को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। और ये भारत में लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था के द्वारा निर्मित होता है, तो इसलिए लोग हैं यानी उनके द्वारा व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण गणराज्य व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो ये तो हो गया आपकी चौथी विशेषता की बात। अब तीसरी विशेषता के चौथी भारतीय संविधान की चौथी विशेषता क्या है, तो आप देखिए समाजवादी राज्य,
चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य। अब ये ध्यान रखें समाजवादी राज्य कैसे, तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने इस बात पर पर्याप्त संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ है कि भारत के द्वारा समाजवाद को राजीव दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं। तो इस बारे में यही सोचा गया है कि किसी भी विशेष दर्शन को स्वीकार करने के लिए नवीन विवादों को जन्म मिल सकता है। तो इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान जो बनाया गया वो सबने सहमत होकर और उसमें फिर ये कहा गया कि हमें एक रास्ते को एक तरीके को अपनाया एक ही दिशा को अपनाना वो दिशा होगी हमारी जो हमारे देश की उन्नति के लिए हुए समाजवाद। तो इस तरह से भारतीय व्यवस्था में समाजवाद को अपनाया गया। और ध्यान रखना है जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ 1976 को, तो उसके द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में तीन शब्द के साथ समाजवाद भी जोड़ा गया था, समाजवाद या समाजवादी, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में भारत को खुद को क्या घोषित किया है, समाजवादी राज्य घोषित किया है। और ये शब्द जोड़ते ही भारत को प्रस्तावना में संशोधन करके भारत को एक समाजवादी देश को घोषित किया है। तो इस तरह से भारतीय जो संविधान है उसकी विशेषता क्या हो जाती है, भारत है वो एक समाजवादी राज्य की तरह भूमिका है और वो इसी तरह शासन व्यवस्था देश का संचालन करता है। तो ये होगी चौथी विशेषता जो आप समझ गए समाजवादी शब्द है वो कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवी संविधान की पांचवी क्या विशेषता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए संविधान की पांचवी जो विशेषता है जिस पर हम चर्चा करें वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पांचवी विशेषता भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक है ना। तो ये भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना पंथ निरपेक्ष या धर्म मतलब धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है वो भारत को घोषित किया, तो इसका ये मतलब होता है। और सबसे पहले ध्यान रखना कि भारत का संविधान बना तब भारत के शासन यानी भारतीय संविधान में भारत को धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया था। ये शब्द भी 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और ये वापिस में बता रखा हुआ था 1976 को, और इसी के द्वारा प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और इसी के साथ भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। इसका यह मतलब है कि भारत सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाएगा। यानी धर्मनिरपेक्ष के बारे में अगर पूछे कि क्या होता है, तो आपको सिंपल सा ध्यान देना है, आंसर बताना है कि भारत के द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्र या राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा भारत में जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों के प्रति भारत की जो नीति है वह समान होगी, समान दृष्टिकोण समान भाव रखेगा, और इसलिए सभी धर्मों को एक तरह से समान दर्जा दिया जाएगा और किसी भी धर्म को राष्ट्र या राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था भारत के लिए हित में थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये कह सकते हैं कि धर्म के बीच में गतिरोध हो जाता है या सांप्रदायिक तनाव हो जाता। तो भारत की शासन व्यवस्था ने खुद ही इसने क्या किया कि धर्म से खुद को अलग रखा और एक तरह से एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की नीति है वो अपनाई, जिसके तहत होता है कि भारत का खुद का अपना राष्ट्रीय राज्य धर्म कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी जो धर्म है भारत के देश में उन सभी के प्रति वह समान व्यवहार समान नीति अपनाएगा। यही कहलाता है भारत के संदर्भ में भारतीय धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। समझा गया, ये थी भारतीय धर्म निरपेक्ष के बारे में। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा समझा भी देता हूं कि भारत के द्वारा
किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा न देकर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार व नीति अपनाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे भारत के द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा न देकर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और नीति जो अपनाई जाती है। इसी तरह से जो ये हम भारतीय संविधान की विशेषता कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट सिक्स नंबर जो विशेषता है उसकी चर्चा करें तो आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब अब ये यहाँ पे एक जैसे आ जाता है कि भारत है, इसका मतलब तो भारत धर्म से दूर भागता है या फिर धर्म के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाता है, ये नहीं है। भारतीय धर्म ने एक तरह से सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करने के लिए और सभी धर्मों के प्रति मैत्रित्व और संभाव रखने के लिए भारत ने क्या किया, राजनीति से यानी राजनीति में धर्म को दूर रखा है। इससे क्या होता है कि जो व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था वो सही से संचालित होती है। तो भारत के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में धर्म को दूर रखा गया, यानी भारत ने खुद को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जिससे देश की शासन व्यवस्था वो सही से संचालित हो पाए। तो नेक्स्ट हमारे जाते हैं सिक्स नंबर विशेषता, वो है कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान है वह कठोरता एवं लचीलेपन कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है और साथ ही साथ दोनों का समन्वय है। अब ये कैसे बताओ या कैसे आप कहेंगे ये किस आधार पे ये भारतीय संविधान की विशेषता होती है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने की भारतीय संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने की व्यवस्था के आधार पर ही भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला तथा दोनों का समन्वय है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कोई पूछे कि ये ऐसा क्यों कहते, तो ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन या जो परिवर्तन करने के आधार पे भारतीय संविधान को हम कठोर लचीला भी कहते हैं। मतलब भारतीय संविधान में संशोधन करने के जो तरीके हैं कुछ आधार पे भारतीय संविधान लचीला भी और कठोर भी। मतलब किस देश का संविधान लचीला है ज्यादा, इसमें ज्यादा संशोधन किया जा सकता है, तो लचीला जो संविधान है वह ब्रिटेन का। किसका है, ब्रिटेन का जो संविधान है बहुत ही लचीला है, बहुत ही इजी से संशोधन कर सकते हैं। जबकि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान में संशोधन बहुत कठिन होता है संशोधन करना। तो इसलिए भारतीय संविधान ने इन दोनों की विशेषता को अपनाया है, दोनों में समन्वय क्या है, यानी भारतीय संविधान ऐसे लचीला भी है और ठीक है ना सरल भी है, और दूसरी तरह से देखें तो इसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल भी होता है। तो इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के दो तरीके बताए, संविधान में संशोधन के दो तरीकों का उल्लेख है। कितने, दो तरीके भारतीय संविधान से 368 के तहत भारतीय संविधान में दो तरीके से संविधान में संशोधन करने का जो तरीकों का उल्लेख किया गया है, उसी एक तो सिंपल तरीका है जिससे कोई भी संविधान मतलब कोई ऐसी धारा है जिसमें जल्दी से संशोधन हो जाता है, और
दूसरा एक तरीका है जिसमें सिद्धांत संतुलन करने का जो तरीका है, जो व्यवस्था है, बहुत ही क्रिटिकल तरीके है। तो ऐसे दो तरीके हैं, लेकिन वर्तमान में हम बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन करने के तीन प्रकार है। संविधान में संशोधन करने के तीन प्रकार हैं और तीसरा है, तीन यानी जो एक और प्रकार है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का तरीका नहीं बताया गया है। तो वो तीन तरीके कौन कौन से, तो आप देख लीजिए एक बार। पहला तरीका है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, यानी लोकसभा व राज्यसभा, लोक व राज्यसभा साधारण बहुमत का मतलब होता है लोक कोई प्रस्ताव है जो संविधान संशोधन के संबंधी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, और ये प्रस्ताव पास होने का जो तरीका है वो साधारण बहुमत की तरह होता है। ठीक है, यानी 10 है, समझ लीजिए कि जैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ जैसे संख्या, तो जैसे 10 है कि लोकसभा में, तो 10 में ऐसे अगर 6 जने कहते हैं हाँ संशोधन कर दीजिए, राज्यसभा में ऐसे हाँ कर देते हैं, वो संशोधन हो जाता है, राष्ट्रपति साइन कर लेता है, तो ये तो हो गया साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करने का तरीका। और इस तरह से आपको ध्यान रखना साधारण बहुमत जो संशोधन करने का तरीका है, अनुच्छेद 2, 3, 4 और ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद है जिसमें इसी पर साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है संशोधन करने की। फिर दूसरा, और ध्यान रखना संविधान 368 यानी अनुच्छेद 368 पे ये तरीके का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा आ जाता है कि 2/3 बहुमत से संशोधन यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों के अलग अलग सभा में, यानी लोकसभा में जो प्रस्ताव लाया गया वो 2/3 बहुमत से पास हो जाए, और इसके बाद वही प्रस्ताव राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास हो जाए, तो वह संविधान में संशोधन करने की मतलब वो प्रस्ताव पास हो जाए तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है। ध्यान रखना संविधान संशोधन के संबंधी जो भी प्रस्ताव होता है उसे राष्ट्रपति नकार नहीं सकता या उसे विलंब नहीं कर सकता, तुरंत प्रभाव से उस पर साइन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कॉम्पिटिशन लेवल के ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया तीसरा तरीका है 2/3 बहुमत दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद भारत के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा प्रस्ताव पास होने पर संशोधन स्वीकार। ठीक है ना, तो ये तीन तरीके हैं तो ध्यान रखना है साधारण बहुमत, फिर है 2/3 बहुमत से संशोधन या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग प्रस्ताव है, 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति साइन करने के बाद संविधान में संशोधन मान्य हो जाता है। फिर तीसरा है कि 2/3 बहुमत दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारत के जितने भी राज्य उनमें से आधे राज्य अगर कहते हाँ उनके विधानमंडलों के अंदर ये प्रस्ताव आता है, वे भी अगर आधे राज्य भी अगर हाँ कह देते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं इन्हीं आधार पर भारतीय संविधान को लचीला या कठोर कहा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि 2/3 बहुमत से यानी दूसरा तरीका है उसके द्वारा संविधान में क्या क्या संशोधन हो सकता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इस तरह के बहुत सारे हैं, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 2/3 बहुमत के द्वारा नहीं ये इंपोर्टेंट लगे थोड़ा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करने का जो तरीका है वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। क्यों? क्योंकि
जिसे राष्ट्रपति के संविधान में संशोधन करना हो या इसके अलावा संघ या राज्यों के बीच शक्ति विभाजन करना हो, राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व, जैसे लोग राजस्थान में राज्यसभा के अंतर्गत 10 सीटें हैं, अगर ये बदलना या करना है तो इसके लिए तीसरा जो संविधान में तरीका अपनाया जाता है संशोधन करने का। जबकि इसके द्वारा क्या होता है, भारतीय संविधान के 3 और 4 भाग, भारतीय संविधान का भाग 3 और 4 में संशोधन करना है तो ये 2/3 बहुमत का सहारा लिया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना है या शक्ति विभाजन करना है राज्यों के बीच में या राज्यों में प्रतिनिधियों की देखरेख करनी है तो इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीला भी है कठोर भी है, और ये व्यवस्था भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। जब हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर, जो हम नेक्स्ट 6 पढ़ लीजिए, सभी 4 विशेषताओं को हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक इससे संबंधित अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और ध्यान रखें कुछ भी डाउट है तो आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।